भारत में कोरोना वायरस की स्थिति 1975 के इमरजेंसी जैसे हो गया है। तो फिल्म बादशाहों की उन चार लाइनों के माध्यम से कोरोना वायरस की मैं स्थिति को बयां करूंगा जो अजय देवगन जी कहते हैं। तो फरमाइएगा, वक्त था कोरोना वायरस का, माहौल था चोरों का, मौका था लूटने का, वार भी थी और तकरार भी थी, और हम भी तो हर्रामी थे। तो समझदार के लिए इशारा काफी। और ये हर्रामी कौन है जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं कोरोना वायरस के नाम पे? तो अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। और कोरोना वायरस के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, कोरोना तेरी माँ की आंख, इतना बोलो डर खत्म। प्यारे मित्रों, अब हम जो भी बातें करेंगे कोरोना वायरस के संबंध में वो प्रूफ के साथ करेंगे। सबसे पहला, कोरोना वायरस डिसीज से ज्यादा बिजनेस है। जी हाँ, कोरोना वायरस एक रोग न हो करके आपका क्या है, बिजनेस है। और ये बिजनेस फल फूल चुका है करीब 100 देशों में। देखिए, सबसे पहले यहां पर आप YouTube में आइए, यहां पर कोरोना वायरस के नाम से सर्च करिए, देखिए कितना सारा कोरोना वायरस इन इंडिया इन हिंदी लैंग्वेज, कोरोना वायरस इन इंडिया इन हिंदी, जैसे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए बिजनेस कैसे, यहां जैसे ही सर्च मारेंगे तो लाखों लाखों व्यूज आ रहे हैं और तगड़े से धड़ल्ले से चैनल चल रहे हैं, वो चाहे न्यूज चैनल हो चाहे यूट्यूब के नॉर्मल क्रिएटर्स हो। देखिए एबीपी न्यूज ने काफी न्यूज कवर किया कोरोना वायरस के नाम पे। तो आप समझ सकते हैं देश में कोरोना के 107 मामले हुए। अरे यार, 140 करोड़ की जनसंख्या में 107 मामले हुए हैं तो क्या कोई समस्या की बात है? मुट्ठी भर नहीं होते हैं, ठीक है। और कोई 107 लोग मर नहीं गए हैं, ये सिर्फ नॉर्मल तरीके से उनमें सर्दी खांसी जुकाम और सांस लेने में तकलीफ देखी गई है, तो उसको कोरोना इन्होंने साबित कर दिया है। और ये इनमें करीब 10% की सिर्फ सच्चाई है, 90% अफवाह है। ओके, इसके बाद देखिए ये हेडलाइंस पढ़िए, हिंदुस्तान में कोरोना बंदी, कोरोना के 93 मामले सामने आए, ऊपर से एबीपी न्यूज है। फिर नीचे देखिए अड्डा 24x7 ने भी खूब सारी कोरोना के विषय में डिस्कशन किया है, और कितना सच्चाई है ये आप सब जानते हो। आज तक ने भी 113 पॉजिटिव केस दिखाया है, अभी 4 घंटे पहले। तो मेरा कहने का मतलब है कि 140 करोड़ जनसंख्या इस समय भारत में है और 113 मामले आ गए हैं, तो उनमें कोई गारंटीड है कि वो कोरोना से ही पीड़ित हो, या सर्दी जुकाम बुखार नॉर्मल लक्षण है। वायरस 200 प्रकार के होते हैं, कोई भी वायरस हो सकता है। रही बात मास्क लगाने की, तो मास्क से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो होगा सो होगा। वही बात यदि आप कोरोना से सिक्योरिटी चाहते हैं तो उसका मैं सिंपल से सिंपल वर्ड यूज करूंगा, बॉडी को गर्म रखें। जी हाँ, शरीर को जितना अधिक हो सके गर्म रखें, कोरोना वही दम तोड़ देगा। जी हाँ, बॉडी को गर्म कर लें। अब जैसे गर्म करने मतलब ये नहीं कि आपको आग में बैठ जाना, गर्म चीजें खाइए, आपका गुनगुना पानी पीजिए, गर्म चीजें जैसे आपके लहसुन हो गई, प्याज हो गया, इस तरह की चीजों का सेवन कीजिए, और धूप में रहिए जितना हो सके, ठंड के माहौल से दूर रहिए। रही बात इन्फेक्शन की, तो कल की बात मैं डिस्कस करूंगा। अपने भाई को मैं स्टेशन में दिल्ली के लिए रवाना करने के लिए गया, वहां पर जैसे ही ट्रेन आई और ट्रेन आने के बाद जो भी सवारियां थी वो सारी ट्रेन में बैठ गई और स्टेशन आपका पूरा खाली हो गया, जैसे कोई मतलब कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया हो, ऐसे स्टेशन को सूपड़ा साफ हो गया। तो समझ सकते हैं कितना दहशत है। तो ये कोई दहशत नहीं है, मैं अपनी बात कहूँ तो मैं नहीं डरता। ओके, और इसमें कोई डरने की बात है भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बीमारी है सर्दी जुकाम बुखार, इसको हवा बनाया जा रहा है आप लोगों के बीच। तो जो न्यूज देख रहे हैं और जिस पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं वो सरासर टोटली महामूर्ख है। ओके, वो महामूर्ख है। तो ये कोरोना वोरोना की न्यूज छोड़िए, अपने काम में ध्यान दीजिए। यहाँ पर सरासर राजनीति हो रही है और अपना अपना बिजनेस चलाया जा रहा है, कहीं महामारी घोषित कर दी गई है, कहीं ये कर दिया गया। अरे यार, कोरोना इतना डरावना है तो पूरे देश को बंद कर दो ना, क्यों लोगों को बाहर निकाल दे रहा हूँ, सबको पैक कर दो 140 करोड़ लोग जनसंख्या को, है ना। कोरोना को देखते देखते यार मैं तंग आ गया, कोरोना को हवा मत बनाओ यार, समझो बात को, कोरोना कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक वायरस है। और रही बात कोरोना वायरस सबसे खतरनाक था तो आपका था चीन, सबसे बड़ा कारण था वो था सूप, चमगादड़ का सूप। क्या इंडिया ने चमगादड़ का सूप पिया है क्या जो इतना डर रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक वायरस है जो कि अभी साबित भी नहीं हुआ है कि ह्यूमन टू ह्यूमन वो ट्रांसफर होता है या नहीं होता। यहां पर सिर्फ कोरोना वायरस का मतलब है 90% बिजनेस, लूट चोरी और वोटिंग। ओके, तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। हाँ, थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है, यदि मास्क से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको लगता है कि मेरे ऊपर सर्दी जुकाम खांसी से आपको दूर रहना चाहिए, ये आपके शरीर को
शरीर में नहीं आने चाहिए, बस यही आपको अलर्ट रखना है, बाकी आपको हवा नहीं बनाना है इसको। ये बहुत ही मतलब कि बुरी न्यूज बनाई जा रही है कोरोना वायरस को। ओके, तो बी अलर्ट बी से। अब मैं बात करता हूं कुछ और तथ्य की। कोरोना वायरस के जैसे बिजनेस यहाँ पर देख सकते हैं, सभी में कम से कम 50,000 से व्यूज कम नहीं है, देख लीजिए कितने सारे वीडियो हैं। ओके, वही बात करूं तो कुछ अंधविश्वासी लोगों ने भगवान तक को भी नहीं छोड़ा, जो कि सृष्टि के रक्षक कहलाते हैं, क्या इनको भी कोरोना वायरस हो सकता है? ये अंधविश्वास ही है जो आसाराम बापू राम रहीम जैसे लोगों को जन्म देते हैं, हम जैसे चंद लोग मुट्ठी लोग मुट्ठी भर लोग। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर में, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि ऐसे ऐसे अंधविश्वास भी पड़े हैं। कोरोना वायरस को डरोना वायरस बना दिया है लोगों ने। ओके, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ये संपूर्ण बिजनेस का एक मेथड था कि अपने मेडिकल लाइन के बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई साबुन में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आप उसी साबुन को ही रिफर करोगे जिसमें आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। ओके, तो ठीक इसी प्रकार अब मास्क के बिजनेस में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कि 4-4 गुना रेट बढ़ गया है। मीन्स मास्क की कीमत 100 रुपए थी, तो कोरोना वायरस की डिमांड की वजह से इसकी कीमत 400 रुपए हो गई है। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से कितना जो है प्रफुल्लित है आपका मास्क बिजनेस कोरोना वायरस के नाम पर बिजनेस। तो बी अलर्ट बी से। और सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मैं मेन तथ्य यही बोलूंगा, मेन पॉइंट, कि आप अपनी बॉडी को कंटिन्यू गर्म रखें, कोरोना की हत्या वहीं हो जाएगी। ओके, कोरोना आपको दूर दूर तक नहीं छू पाएगा, ये मेरा आपको ओपन चैलेंज है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको हर देशवासियों से शेयर करिए और हर देशवासियों को जानकारी देकर डिस्कशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।